नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों 4 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, उसके सारे के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम रिव्यू जान लेते हैं। दोस्तों यदि हम इस शिफ्ट की बात करें तो ये शिफ्ट इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी दोस्तों, जिसके अंदर की जीके व इंग्लिश थी दोस्तों ईजी थी, रीजनिंग व मैथ दोस्तों थोड़ी टफ थी। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो इस शिफ्ट के अंदर दोस्तों यदि आपने 65 से 70 अटैम्प्ट किए हैं तो आपका ओवरऑल एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों पिनरई विजयन। यदि दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों मैन बुकर लिटरेचर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर था दोस्तों जोखा अल हर्ती दोस्तों इसका सही आंसर था। अगला दोस्तों कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि पिन वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, सही आंसर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों अग्नाशय है जो सही आंसर था, इंसुलिन का स्त्राव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि सीएट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड किसे मिला था? तो इसका सही आंसर था दोस्तों विराट कोहली। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल की फुल फॉर्म बतानी थी आपको दोस्तों, तो इसका सही आंसर था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका सही आंसर था दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों ला हबाना डेल एस्टे दोस्तों जो क्यूबा की राजधानी है। इसके लिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तुर्की की मुद्रा का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लीरा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार था कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों अरस्तू के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स पुस्तक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर था दोस्तों वर्ष 1985 के अंदर हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो इसका सही आंसर था दोस्तों 22 मई 1947 को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।